वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल। बहुत दिनों बाद लक्ष्य ने बहुत फोर्स करा, लक्ष्य मुंह छुपा रहा है जैसे रेड में पकड़ा गया था, बट रेड में इससे कोई पकड़ा नहीं गया। अभी हम लोग बहुत तेज स्कूटी चला रहे हैं, स्कूटी पूरी की पूरी हमारी चल रही है 30 पर, वो मैं नहीं दिखाऊंगा। और बाकी बहुत टाइम बाद ब्लॉग बना रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ें थी, बहुत लोगों ने बोला, दो तीन भाइयों ने भी बोला कि चलो बनाओ बनाओ बनाओ, तो मैं बना रहा हूँ वापस। और ये अंकल यहाँ पर रात की पार्टी की बातें चल रही हैं, हम जा रहे हैं जल्दी से घर। घर जाके हमें जाना है जिम, क्योंकि हमारे दो बंदे वेट कर रहे हैं, वो लोग वेट कर रहे हैं कि हम कब आए और हम उनके साथ कब मारे नेक्स्ट डे। जाते हम लोग सोच रहे थे कोल्ड कॉफ़ी पी ले, फिर इसने बताया कि नहीं भाई जिम पहले ज़रूरी है, उसके बाद कोल्ड कॉफ़ी, तो आप दोनों खाएंगे। और ये इशू वाली आंटी होगी पक्का पक्का, गंदी तरीके से चला रही है। चलो भाई, किसी की हमारे भाई भाई की बहन ही नहीं होगी। गुड़गांव की मरीन ड्राइव है ये पूरा सेक्टर 4 मार्केट, जहाँ पे आगे मरीन ड्राइव है, पीछे पूरी मार्केट है। एंड यहाँ पे पानी पानी हो गए, बच गए। मैं अभी मोटो व्लॉग कर रहा हूँ, जल्दी से कैमरा सेट वगैरह सब कुछ करा है फिर से, एंड देख रहा हूँ ऐसे करके, यहाँ इतने पोर्ट होल्स है, यहाँ इतना पोर्ट होल्स है, पर चलानी मुश्किल है। और कैमरा एंगल मुझे नहीं पता, एंड साउंड क्वालिटी भी नहीं पता होगी। देखो मैं इस दलदल में से निकालूंगा और क्या पता मैं गिर जाऊंगा। बड़े भाई वो गए 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 गए, राम 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 राम, बच गए। ये कैमरा एंगल बिल्कुल सही है, इस पे व्लॉग करने लायक भी है। ओ हो, काफी दिनों बाद मैं व्लॉग कर रहा हूँ, एंड सही है यार, मुझे अभी तो पता नहीं लग रहा क्वालिटी क्लियरिटी मेरे वॉइस क्या आ रही होगी। जस्ट अभी गोप्रो सेट करा है, अभी वापस देखता हूँ, हिला के थोड़ा सा देखता हूँ, सिंपल हाथ वाथ छोड़ के भी चला रहा हूँ, मुझे नहीं पता, बिल्कुल अभी पता नहीं लग रहा, बस थोड़ी सी वॉइस मेरे को लग रहा होगा दबरी होगी, क्योंकि हेलमेट मेरा उतना अच्छा है नहीं अभी, जो दूसरा वाला है वो ही ज़्यादा सही है। ये हमारी सेक्टर 4 की रोडें हैं जो बहुत साफ सुथरी हैं, सरकार से बहुत उम्मीद है कि इसको और गंदा करेगी सरकार। घर, एंड अब जल्दी से रेडी होना है, क्योंकि दो बंदे यहाँ से आ रहा होगा, सही पता नहीं, मुझे नहीं पता, अभी मैंने सारी क्लिप्स में देखी, कैमरा एंड हेलमेट वहाँ पर है, मैं चेंज करके, तो आउटफिट मेरा यही है, मैंने कुछ चेंज नहीं करा, मैं गरीब हूँ ना, तो मतलब जिम के कपड़े अलग और बाहर निकलने के कपड़े अलग, मैं कहीं से वैसे आ नहीं रहा था, बस लक्ष्य को पिक करने गया था, तो अभी जिम जाना है एंड लेट में लेट होते जा रहा है, तो मैं खा रहा हूँ जिम जाने से पहले थोड़ा सा गंदा गंदा थोड़ा सा अच्छा सा और टेस्टी टेस्टी खाना, ब्रेड और पीनट बटर, गरम नहीं करूंगा, गरम करने के लिए टाइम नहीं है, एंड गरम करके भी अच्छा लगता है, नॉर्मल भी अच्छा लगता है, मैं तो इतना सारा पीनट बटर लेता हूँ भाई साहब, क्या टेस्ट है। तो मैं दिखाऊंगा, स्टॉक दिखाऊंगा अभी, ये तो पूरा और ज्यादा देखो मैं, दोनों मुझे जज कर लो अभी, लड़की तो नहीं है साफ तो साफ तो उसी को न नहीं हूं, मैं जैसे हूं मैं ऐसे ही हूं, अरे यार लेट हो रहा है ना, उनके बाद बुलाऊंगा तुम लोग को पहुंचूंगा, जल्दी खाना स्टार्ट करता हूँ, फिर टक्से को उठाता हूँ जिम जाने के लिए, और चिराग को कॉल करता हूँ। तभी मैंने ब्रेड खत्म करा, और लक्ष्य हमेशा की तरह लीक, ये बंदा ना सुधर सकता है ना कुछ कर सकता है, हर चीज़ में आगे खाने के लिए बुला रहा, सबसे पहले पहुँचेगा, बट यहाँ पे लेट देखो इरिटेट करता हूँ, बोल ही नहीं रहा, कहाँ भाग गया पता नहीं, वैसे मैं बहुत मोटा दिख रहा हूँ, मेरे पिंपल्स हैं यहाँ पे। तो वापस मैंने GoPro सेट तो करा है, और ये हेलमेट पे नहीं है, ये पता नहीं कैसे है, हेलमेट ही है बट उसका माउंट थोड़ा अच्छा नहीं है, और मैं फ्रीली चला पा रहा हूँ फाइनली। मैं और लक्ष्य आए थे, वो वाला हेलमेट अच्छा था, ये जस्ट नॉर्मल हेलमेट है, ट्राई करते हैं इससे ज़्यादा देर तक कंटिन्यू हो जाए, बट मेरे को बस ये डर लगता है। और ये देखो स्की डाइविंग, मजे आ गए भाई, नाली के पानी में ना मुंह मार के मजे। गुड़गांव की सरकार सबसे बेस्ट है। बाकी लक्ष्य ने भी 1 मिनट ब्लॉग स्टार्ट करने का सोचा है, और मोहित हमारे साथ अब जिम नहीं आता, क्योंकि मोहित को 5 बजे कहीं जाना होता है, शायद लड़कियों के चक्कर में पड़ गया है मोहित हमारा, पर अगर उसको बोलेंगे तो बोलेगा यार ना पड़ता लड़कियों के चक्कर में। अब मैं ये वाला सेटअप चेंज करके हेलमेट उतार के डिग्गी में डालता हूँ, और मैं लक्ष्य से बात करता हूँ सामने वाले से। बाय बाय भाई साहब, ये अब मैं अपने फोन से ब्लॉग कर रहा हूँ GoPro, और इसका सॉरी सॉरी
आई एम सॉरी बाबू, ये लिखा था लेटर में। आगे तो बहुत बुरा हाल है, देखते हैं जाएंगे कैसे हम लोग, पर जाना तो है ही हमें, और जूते गीले नहीं होने चाहिए। अपनी जबान जबान पे कंट्रोल कर ले। मैं ना गोप्रो में ही ठीक था पैर रखने के लिए, वो भी नहीं है कि मैं गोप्रो वापस सेट करूं। एक काम करता हूं, जिम पहुंच के ब्लॉक करता हूं, वरना लक्ष्य और मैं इस पानी में नहा लेंगे, और हमें इस टाइम नहीं नहाना। जिम से आने के बाद यहीं लौटेंगे हम लोग यहीं पे। एंड मुझे आज बहुत डर लग रहा है स्कूटी चलाते, क्योंकि मैं स्कूटी बहुत टाइम बाद चला रहा हूँ, मतलब आधे घंटे बाद चला रहा हूँ, तो मेरी मेमोरी लॉस हो गई है। मेरे को वो गजनी में मार दिया था ना सर पे, क्रिंज हो गया ना पूरी। ये भाई शॉर्ट्स में, ये आ गए हम जिम, अब जिम जाते हैं। हिमांशु वेट कर रहा होगा। मारने जा रहे हैं दोनों, दो रेप मारने। ये लड़ रहे हैं आपस में। ये हालत है इधर लैग करने के बाद की, हालत खराब है। ब्लॉक कंटिन्यू नहीं कर पाया अभी, जिम से आ रहा हूं और लेग्स का क्या वर्कआउट हुआ है आज। हर एक चीज मतलब लेवल मेरा बढ़ गया धीरे धीरे, मतलब शेप में आ रहा हूं। पहले मैं था अभी थोड़ा सा और स्मार्ट बनना है। उसके बाद मैं थोड़ा प्रोटीन वगैरह पी लेता हूं और थोड़े से वो प्रोटीन नट वगैरह खा लेता हूं, थोड़ी जान वान आ जाएगी। उसके बाद मैं जाता हूं बाहर, बाहर की अगर कोई चीज दिखाने लायक हो तो दिखाऊंगा, वरना ब्लॉग को एंड कर दूंगा। कचरा नहीं डालना, नहीं समझ रहे हो क्या? बट यू स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज दिखाऊंगा। चिल मारो चिल, मैं प्रोटीन पी लेता हूँ, आप लोग जाके नींबू पानी पियो, मोटे हो जाओ, बाय। तो वैसे मैंने वापस गोप्रो सेट करा है, आई डोंट नो कितनी लाइटिंग होगी, क्योंकि इसकी मैंने अभी सेटिंग्स लाइट्स वगैरह में नहीं करी है, इट्स जस्ट लाइक नॉर्मल। तो अभी बहुत सवाल, ये कुत्ते पड़ रहे हैं भाई पीछे। इन दोनों का क्या हो रहा है? इन दोनों का बहुत कुछ हो रहा है, मैं नहीं दिखा सकता हर चीज, तो नहीं दिखा सकता मैं। गाड़ी वाले अंकल ने प्रीव्यू देखा GoPro का, एंड वो अच्छा नहीं है सच में, लाइट्स बहुत कम है। पूछना चाहते होंगे, एंड मे बी नहीं भी पूछना चाहते होंगे, बट मेरे को बताना है, क्योंकि मेरे को ये ब्लॉग खींचना है, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाना है। वो सब कुछ जानो को मैं इतने देर कहा था, और मैंने ब्लॉग्स क्यों नहीं बनाए और अब क्यों बना रहा हूँ। देखो ब्लॉग्स बनाने का मेरा कोई सेकेंड रीजन नहीं है, लाइक फेम एंड ऑल है या चीज जो भी था, मेरे को ना कॉन्फिडेंस आता था बहुत ब्लॉग बना के, लाइक मैं रियल लाइफ में भी बहुत अच्छा रहता था उस टाइम। तो उस टाइम सब कुछ सॉर्टेड था, मतलब बहुत कुछ। ये सब मैं झूठ बोल रहा हूँ, मुझे पैसे कमाने थे, बाहर से पैसे कमाना नहीं था। तो मैं देख रहा हूँ ब्लॉगर्स पैसा कमा रहे हैं, तो मैं भी वापस ब्लॉगिंग लाइन में आ गया, मुझे चाहिए पैसे ताकि मैं घूम सकूँ और आप लोगों को दिखा सकूँ। मजाक कर रहा हूँ, आप लोगों को तो दिखाऊंगा ही। मैंने देखो कितना सच बोला, ये सारे नहीं बोलते पर मैं बोलूंगा सच, मुझे पैसे चाहिए, इसलिए आप लोग प्लीज मेरे ब्लॉग पूरे देखो, मेरी एड्स स्किप मत करा करो, क्योंकि वो मुझे पैसा कमा के देगी और फेम भी। पर मैं फेम का उतना भूखा नहीं हूँ, क्योंकि मुझे बन के नहीं रहना है। कितने सपने देख रहा हूँ ना मैं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ब्लॉग्स जस्ट बिजनेस की वजह से थोड़े पॉज थे, मैंने कभी नहीं बोला था कि मैं बंद करूंगा या मैं नहीं बनाऊंगा। आई वॉज लाइक बनाऊंगा एंड फाइनली मैं बना रहा हूँ। तो ये है रिफंड और इन दोनों को मैं लेने आया हूँ, पर इनके पास पहले से स्कूटी है। इन्होंने मुझे सरप्राइज कर दिया, ये पहले मेरे पे बहुत हाथ पड़ो सिद्धू पाजी। इनका पूरा नाम है रोहित सिद्धू विनय शर्मा जी भाई, पर ये बंदे को मैंने मान लिया। पहली बार सावन में नॉन वेज नहीं खाया भाई इस बंदे ने भाई, जेन्युइन, वरना भाई ये नहीं छोड़े। पर रोहित और मैंने तो कसम खा रखी है, चाहे बॉडी बने ना बने, हम नॉन वेज नहीं खाएंगे तो नहीं खाएंगे, पर भाई ने हाँ समान भाई
उस दिन क्वेश्चन एंड आंसर में मैंने बताया था कि भाई विनय जैसी बॉडी तो नहीं बन सकती है। मैंने कुछ बोलना चाहेगा? दिखा दे अपने वो निशान। हाँ, इसकी नाभि पे होंगे वो निशान, या पीछे हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। नहीं, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ब्लड टेस्ट देता है ना। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन गाइस, अभी 4 सेक्टर आए हैं और रोहित अपने भाई के लिए 3 डॉट बर्गर से सैंडविच पैक करा रहा है। डाइट वाला साइलेंट क्या? हमारे साथ बड़े बड़े ब्लॉगर्स भी जुड़ने वाले हैं और एक बॉडी बिल्डर जुड़ने वाले हैं। ये दोनों अपनी बातों में वो है। इन दोनों को आज का रात का प्लान है, इन दोनों का कहीं जाने का। लास्ट टाइम से इस टाइम में 3 घंटे का डिफरेंस है। रोहित, मैं और विनय बात कर रहे, फिर कुनाल और निकुल है। हमने इतनी सारी बातें करी कि रात के 1:30 बज गए हैं, वो लोग भी अब घर गए, रोहित को भी मैंने ड्रॉप करा और अब मैं खाना पैक करवा के अपने घर की तरफ जा रहा हूँ। ये बदमाश का घर है एंड उनकी गाड़ी खड़ी है। नाइस कार, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो अगर ये ब्लॉग अच्छा लगे एंड थोड़ा सा भी इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कर देना एंड कमेंट जरूर करके बताना कि मैं फिर से बोरिंग हो गया या नॉर्मल चल रहा है। वैसे तो मैंने अच्छे बनाया होगा, एक बार में कितना बोल रहा हूँ, फंबल करने लग गया। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।